श्री संत गजानन महाराज पारायण सेवा समिति नागपुर की ओर से विगत 13 वर्षों से प्रत्येक माह श्री गजानन विजय ग्रंथ पारायण आयोजित किया जाता है, साथ ही वर्ष के अंत में महापारायण समारोह के साथ इसका समापन किया जाता है। शनिवार 9 दिसंबर को श्री गजानन महाराज का पालकी समारोह संपन्न हुआ और सेवा सदन से अमृत भवन तक हजारों भक्तों ने इस पालकी समारोह में भाग लिया। इस वर्ष भी रविवार 10 दिसंबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक झांसी की रानी चौक स्थित अमृत भवन में इस महापारायण समारोह का आयोजन किया गया था और भक्तों ने श्री विजय ग्रंथ के 211 श्लोकों का पाठ करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित थे और उन्हें श्री संत गजानन महाराज पारायण सेवा समिति द्वारा प्रति वर्ष दिया जाने वाला श्री गजानन सेवा समर्पण गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही सुबह 11 बजे स्वाध्याय परीक्षा में सफल गजानन भक्तों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शैलेंद्र महादेव राव जी पाटिल शेगांव, श्री गजानन महाराज के प्रपोत्र निसीम भक्त रामचंद्र कृष्ण जी पाटिल शेगांव और श्री शंकर लाल जी अग्रवाल शेगांव निवासी निसीम भक्त का श्री बंकट लाल अग्रवाल शेगांव के प्रपोत्र जिन्होंने पहली बार श्री गजानन के दर्शन किए थे, महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भव्य रोशनी के रूप में मनाए जाने वाले इस सामूहिक महापारायण में न केवल नागपुर शहर बल्कि महाराष्ट्र के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्य के कुछ शहरों से भी गजानन भक्तों ने भाग लिया था। इस महापारायण समारोह के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। श्री गजानन महाराज पारायण सेवा समिति नागपुर के अध्यक्ष धनजीभाई चव्हाण, सचिव गजानन देशपांडे, संपर्क प्रमुख निखिल भुटे उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।